आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक। धामी सरकार पेश करेगी विधेयक। देश में यूसीसी को लेकर विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। सदन में यूसीसी का पारित होना माना जा रहा तय। विधानसभा के अंदर सरकार के पास पूर्ण बहुमत। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को मिली थी मंजूरी। यूसीसी विधेयक को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। कहा नियमावली की हो रही अनदेखी। नियमावली और विधानसभा की परंपराओं का नहीं रखा जा रहा ध्यान। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सबको लंबे समय से था यूसीसी का इंतजार। विधेयक को पास कराने और चर्चा के लिए विपक्ष से मांगा सहयोग। यूसीसी के विरोध में देहरादून में प्रदर्शन। सामाजिक संस्था के लोगों ने किया विधानसभा कूच। पुलिस ने विधानसभा से पहले ही बैरिकेडिंग पर रोका। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का बयान। यूसीसी आने पर किसी को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या। महाराष्ट्र में अभी इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का CAA पर बयान। कहा CAA सिर्फ कानून बनकर नहीं रहेगा बल्कि लागू होगा। बीजेपी आर्टिकल 370 हटा सकती है तो CAA भी लागू कर सकती है। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा की होगी शुरुआत। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर भी हो सकती है चर्चा। कल पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया था जवाब। लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने में लगी लेकिन नहीं हो पा रहा। कांग्रेस परिवार के बाहर नहीं देखती। इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी का निशाना। कहा कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भानुमति का कुंबा जोड़ा फिर सब एक लाचिलोरे हो गए। इनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा विपक्ष ने बाहर रहने का संकल्प ले लिया है। विपक्ष की इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला खो चुका है। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पीएम मोदी को अपने अहंकार के कारण 2014 के पहले का भारत नजर ही नहीं आता। प्रधानमंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पाठ पढ़ाते। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख का मुद्दा उठाया। कहा कि लद्दाख में हालात बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन सदन में सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधीर रंजन को दिया जवाब। कहा कोई भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सक्षम। भारत अब कमजोर नहीं। फ्लो टेस्ट में पास हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। विश्वास मत के दौरान पक्ष में पड़े 47 वोट। विपक्ष में आए 29 मत। मतदान के दौरान मौजूद रहे 77 विधायक। फ्लो टेस्ट में वोटिंग करने पहुंचे हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार राज्यपाल और बीजेपी पर बोला हमला। कहा मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो छोड़ दूंगा राजनीति। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का बयान। चंपई सोरेन सरकार में दिया समर्थन। शर्त मानेंगे तो ठीक नहीं तो फिर से करूंगा विरोध। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। लोकतंत्र के मंदिर में बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने की तैयारी। रांची में विधानसभा की कार्यवाही के बाद ईडी की कस्टडी में भेजे गए हेमंत सोरेन। विधानसभा से वापस ले जाते समय हंगामा। समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। झारखंड की सियासत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ रहा विफल। नाकामयाब रही बीजेपी। नीतीश सरकार में दो मंत्रियों की मांग पर बोले जीतन राम मांझी। कहा 43 साल से कर रहा हूं राजनीति। लोगों को मुझसे काफी उम्मीदें। फ्लोर टेस्ट में देंगे एनडीए का साथ। जेडीयू विधायक अशोक चौधरी का बयान। कहा फ्लोर टेस्ट में खेला तो होगा लेकिन किस पक्ष से ये उसी दिन का खुलासा होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला नीतीश पर छोड़ा। हैदराबाद न जाने पर बोले कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ। विधानसभा क्षेत्र में काम की व्यस्तता का हवाला दिया। बोले कांग्रेस के साथ हूँ। बिहार में कांग्रेस एकजुट। संतोष कुमार सुमन को SC CT मंत्री बनाने पर बोली विधायक ज्योति मांझी। SC समाज के साथ किया जा रहा मजाक। कोई दूसरा मंत्रालय देने की रखी मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू के पास पूर्ण बहुमत है। RJD पर लगाया खरीद फरोख्त की कोशिश करने का आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कांग्रेस पर हमला। वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। डरे हुए हैं चोर दरवाजे से आए हुए लोग। कहा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा।
यूपी में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव पर मंथन। कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी दो दिन कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। हैदराबाद में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति आज करेगी बैठक। प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और दोनों ही डिप्टी सीएम ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। खम्मम से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की। एमपी के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे का बयान। कहा इस बार कमलनाथ नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कमलनाथ की जगह नकुलनाथ लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश कह रहा है कि इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 सीट जीतेगी, हमारा तीसरा कार्यकाल ज्यादा दूर है। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का बयान। कहा 2024 लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की होगी बंपर जीत। एमपी के छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने खेला सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। कमलनाथ ने राम नाम लिखे पत्रकों को पूजा अर्चना के बाद अयोध्या के लिए रवाना किया। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बयान। कहा बड़े पैमाने पर बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर, कांग्रेस से एसपी का हुआ समझौता, किसी सीट पर कांग्रेस के साथ विवाद। इंडियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ संसद भवन पहुंची, जहां पीएम मोदी से मिले अल्पसंख्यक समुदायों के कई धार्मिक नेता, भारत की एकता का परिचय दिया। यूपी के संभल में पीएम मोदी कल्किधाम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल्किधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णम अधिकारियों के साथ तैयारियों में जुटे। पीएम से मुलाकात पर बोले इमाम उमेर अहमद इलियासी। कहा हम मानवता का संदेश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा धर्म है, हमें देश को मजबूत बनाना चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज एक और ट्रेन रवाना। सीएम केजरीवाल ने श्री तिरुपति जाने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं से मुलाकात की। कहा दिल्ली का हर एक वासी मेरे लिए परिवार की तरह। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक सरकार की उद्धव ठाकरे पर उनका तंज। का सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ा, सीएम बनना चाहते थे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का उद्धव पर बयान। कहा इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है उद्धव ठाकरे, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में आप का प्रदर्शन। कल भी नगर निगम दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए आप कार्यकर्ता, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया साल 2024-25 का बजट। बजट पर सीएम योगी का बयान। कहा प्रभु श्रीराम लोक मंगल के पर्याय हैं, बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का यूपी बजट पर बयान। कहा आम नागरिक महिलाओं और युवाओं के लिए ये बहुत कल्याणकारी बजट है, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेगा ये बजट। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में किन्नर समाज के लिए बस यात्रा फ्री। कहा किन्नर भी इंसान है, उन्हें भी बराबरी का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। कहा भारत ने 10 वर्षों में एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने ठोस नीति के आधार पर परिवर्तन किया। झारखंड के गुमला पहुंचेंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोपहर में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल रांची में राहुल ने रोड शो किया था। झारखंड के रांची में राहुल गांधी ने की साइकिल की सवारी। कोयला ढोने वाले मजदूरों से भी मिले राहुल गांधी, जगह जगह रुककर मजदूरों से बात भी की। हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार मुफ्ती सलमान अजहर के समर्थन में आए मौलाना तौकीर रजा। कहा अजहर पर लगाया गया आरोप झूठा। कहा देश में सूफिज्म पर बनाया जा रहा दबाव। रांची में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा आपके साथ अन्याय कर रही बीजेपी, इसने यात्रा में न्याय शब्द डाला। सरकार HEC को प्राइवेट करने में जुटी, पर ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी के बागपत में लक्षागृह पर हिंदुओं को मिला हक। बागपत कोर्ट ने 53 साल बाद सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष ने बकरुद्दीन की मजार होने का दावा किया था, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी के जिला जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
ज्ञानवा परिसर में बंद तहखाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आनंद मोहन को जेल नियमों में बदलाव कर रिहा किया गया। दिल्ली में शराब नीति मामले में आरोपी विनय नायर की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्वास्थ्य के आधार पर विनय नायर को कोर्ट ने 6 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज आरोपी जावेद इमाम और जीशान हैदर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को वक्त दिया। यूपी के आगरा में हाउसमेट परिवार को खाने में दे रही थी नशीली दवाएं। परिवार के नींद में आने पर घर के सामान पर हाथ साफ करती थी। किचन में सीसीटीवी लगाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। यूपी के कासगंज में आरएसएस नेता के बेटे का अपहरण। अपहरण के बाद किडनैपर्स ने मांगी 18 लाख की फिरौती। आरएसएस नेता ने ऑनलाइन पैसे किए ट्रांसफर। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में रूसी महिला पर्यटक के रुपए चोरी हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा की नकदी होटल से गायब हो गई। रूसी महिला पर्यटक की सूचना पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल में जुटी। एमपी के देवास में अवैध मकान पर बुलडोजर चला। मकान में कैफे का हो रहा था संचालन। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी का हो रहा था काम। राजस्थान के नागौर में छात्र की मौत के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। 14 दिन पहले लापता छात्र की हत्या हुई। यूपी के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। चर्च में रोगों से छुटकारा मिल जाने के नाम पर धर्मांतरण का खेल। यूपी के कासगंज में कलयुगी भाई ने बहन के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान हैरानी वाला फैसला। ठंड के मौसम में भी बच्चों के गर्म कपड़े रूम से बाहर उतरवाए गए। कड़कड़ाती ठंड में परीक्षा दे रहे छात्र छात्राएं। जम्मू कश्मीर की 2 जुड़वा लड़कियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ पॉपुलर। घाटे के बर्फबारी को लेकर बनाया वीडियो। पीएम मोदी को दिया कश्मीर आने का न्योता। पुणे दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत जल्द ही समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को भी होंगे इसके नुकसान। अयोध्या में प्रभु राम की इच्छा से बना भव्य मंदिर। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनशन पर बैठी तंजीम मेहरानी। जयपुर में 1 फरवरी से कर रहे अनशन। बोली शैक्षणिक संस्थानों में एक समान होना चाहिए ड्रेस कोड। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्र नेता पर हमला। 18 से 20 लोगों ने एक साथ बोला धावा। एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। न्यू मुंबई के मिर्सी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हादसा हुआ। बहुमंजिला इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। झांसी में ट्रक में लगी आग। चालक और क्लीनर ने कूद कर अपनी जान बचाई। डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा। आग में जलकर खाक हुआ ट्रक। अबुधाबी में बनकर तैयार हुआ भव्य हिंदू मंदिर। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे मंदिर का उद्घाटन। मंदिर से जुड़े बड़े संत पहुंचे दुबई। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को मात दी। इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। चौथे ही दिन खत्म हुआ मुकाबला। सीरीज में भारत ने की 1-1 से बराबरी। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाके में बदला मौसम। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। मंदिर के आसपास जम गई करीब 4 फीट बर्फ। रुद्रप्रयाग की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। पर्यटकों को चोपता पहुंचने में परेशानियां। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। भारी बर्फबारी की वजह से प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे बाधित हैं। 600 से ज्यादा लिंक मार्ग बर्फ जम जाने से बंद है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी से मुश्किल बढ़ी। 242 सड़कें बंद। पर्यटकों को जोखिम भरी सड़कों पर सफर न करने की सलाह। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्नो आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। सेना ने गुरेज घाटी में कराया प्रतियोगिता का आयोजन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। सड़क पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी। जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ को साफ किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन। बर्फ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। सभी लोग बताए जा रहे हैं सुरक्षित।
हफ्ते भर के भीतर ही गुलमर्ग की पहाड़ियों में तीसरा एवलॉन्च। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी हिमस्खलन और भारी बर्फबारी की आशंका। अंबाला में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पटवारियों की हड़ताल के चलते मुआवजा मिलने में हो सकती है देरी।